हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने जो है फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली बिना पासवर्ड के। अगर दोस्तों आप लोग बिना पासवर्ड के अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मतलब आके ऑल पे सेट कर देगा, जिससे दोस्तों आपको हमेशा नई नई जो अपडेट्स देखने को मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आप लोग फेसबुक अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है। अब फेसबुक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद ऊपर में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको मैं दोस्तों छोटा सा एरो दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको जहां पे दिखा रहा हूं वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको करना क्या है, सबसे नीचे आना है, और नीचे आएंगे दोस्तों तो एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। काफी सारे ऑप्शन आएंगे दोस्तों तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेटिंग्स का आपको ऊपर में ही, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक कर देना दोस्तों। अब जैसे आप लोग सेटिंग्स पे यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर में ही आपको मिलता है अकाउंट सेंटर का ऑप्शन, ठीक है। आपको अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन, उसके नीचे आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन, तो आपको पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसा कि देख सकते हैं कंटेंट इन्फो, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आइडेंटिटी कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके नीचे आपको मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन, तो आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के ऑप्शन पर दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आता है, मेमोरियलाइजेशन और एक ऑप्शन आएगा डीएक्टिवेशन और डिलेशन का ऑप्शन, तो आपको डीएक्टिवेशन और डिलेशन ऑप्शन पे सीधे क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से अगला पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे। अभी यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, आपको यहां पर बोला जाएगा कौन से अकाउंट को डिलीट करना है, तो उसी अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। हम फर्स्ट वाले पर हम क्लिक कर देते हैं, हमको फर्स्ट वाला डिलीट करना है। हम इस पर जैसे दोस्तों यहां पर हम क्लिक करेंगे ना, उसके बाद जो है दोस्तों यहां पर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अगला इंटरफेस, आप लोग जैसा कि अभी यहां पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप लोग डिलीट कर पाएंगे। अब यहां पर आने के बाद दो ऑप्शन आपको दोस्तों देखने को मिलता है, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट, तो आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है या फिर डिलीट। आपको डिलीट करना है तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोबारा दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कंटिन्यू का ऑप्शन करने को आएगा, तो आपको वहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। फिर आपको दोस्तों मतलब दो तीन बार आपको कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जाएगा रीजन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे बोलता है कि मतलब आप लोग अपने जो है अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, यानी जो आपका पर्सनल चीज़ें हैं उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पर डिलीट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर दोस्तों हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमसे बोला जाएगा इंटर योर पासवर्ड, बट हमें तो पासवर्ड ही नहीं पता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे हमें मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, हम फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर दोस्तों जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन होगा। अब फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं पता है जैसा देख सकते हैं पासवर्ड आपको, तो यहाँ पर लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटर योर पासवर्ड यहाँ पर बोला जाए तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, बट दोस्तों यहाँ पर नहीं पता है तो ट्राई अनदर अवे पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ट्राई अनदर अवे पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ से दोस्तों आपको जो है आपका मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद जो है आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को दोस्तों आपको दोबारा से लाकर यहीं पर डालना पड़ेगा। जैसा देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाए कौन से किस पे आपको ओटीपी मंगाना है, तो यहाँ पर दोस्तों ईमेल वगैरह मंगा सकते हैं। कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वहाँ पर तुरंत जो है दोस्तों आप लोग जब अपने ईमेल पर जाएंगे ना तो वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि आप मतलब जो है यहाँ से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमें नहीं करना है, बट मैं आपको बताया हूँ कि अगर आप लोग जो है पासवर्ड नहीं पता है तो इस तरीके से आप लोग अपने जो है पासवर्ड को मतलब रीसेट करके और आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर पाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।